कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भो मा ते संगो कविकर्मणि। औरत है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर मोहब्बत का दरिया है, हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, अजब दास्तां है अजब है कहानी। नमस्ते भाव। अरे आओ, तुम लोग के बारे में ही बात कर रहा था मैं। बारे बारे क्या बात चल रही थी? वो क्या है, तुम लोगों को रहने के लिए एक खोली का इंतजाम किया है मैंने, और वो खोली ऐसी है कि किसी के बाप को भी पता नहीं चलेगा कि वो खोली कहाँ है, किसके नाम पे। भाव कहीं वहाँ पुलिस का खतरा तो नहीं? अरे नहीं, पुलिस वहाँ कैसे पहुंचेगी? क्या दीवारी, वो खोली ये रामू मतलब मुखिया के नाम पे, और ये बिल्ला तो है नहीं, बिल्ला समझती ना, पुलिस रिकॉर्ड नहीं इसका कोई। और वो हॉस्पिटल में मैंने पूछताछ करी, वहाँ पे कोई पुलिस वाले आए नहीं थे इंक्वायरी करने की, तो कोई टेंशन ही नहीं अपनी को, आराम से रहो उधर, हैं ऐश करो। और वैसे तुम्हारे लिए कोई काम तो है नहीं, किधर जाना आना तो है नहीं, दिन रात बराबर एक बराबर है, क्यों? ठीक है भाऊ, कुछ दिन हम लोग वहाँ भी रह लेंगे। लेकिन भाऊ वहाँ पे रहना तो बेकार ही है ना, कोई काम धाम तो है नहीं। क्यों, तुमको कोई पेपर शॉर्टेज है क्या? पेपर मांगता है कुछ? नहीं, नहीं, प्रॉब्लम नहीं ना? नहीं भाई। ये क्या चक्कर है? अरे वहां रहो, आराम से ऐश करो, हैं? और जब काम निकल आएगा तो तुम लोग बुला लूंगा, ठीक है? ठीक है भाई, चलो चलते हैं। नहीं नहीं अभी नहीं, नहीं तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अभी नहीं, रात को जाना वहां, हैं? ये तुम्हें लेके जाए, समझे? ठीक है भाई, अभी हम जाइए आराम करते हैं। हाँ तिवारी बहुत तकदीर वाला है, क्या सड्डम सामान है इसका, क्यों है ना? हाँ क्या बोल रहे हैं? वो बक्से की चल जगताप, दारू पियो तुम। विक्रम, हम लोग इस तरह से यहाँ छुपे हुए हैं, और अगर किसी ने हमें यहाँ देख लिया ना तो बस्ती वालों को शक हो जाएगा। तो फिर क्या करें? हम दत्ताराम के खोली के सामने इंतजार करते हैं। नहीं नहीं, अगर हम लोग वहाँ पर जाएंगे ना, तो वहाँ पर कोई भी आने वाला हमें दूर से पहचान सकता है। हम लोग यहीं पर ठीक है, क्योंकि यहाँ से हम हर आने जाने वाले पर नजर रख सकते हैं। देखो रुपा, बस यही रोक दो। टैक्सी से तीन लोग उतरे। कितना हुआ तेरा? क्या साहब, आप बोले मुंबई जाने का, आप इधर लेके आए, भाड़ा किधर मिलेगा? अरे जिधर आना है वही तो आएगा ना आदमी। हो ना हो कि इनमें से एक तत्ताराम का बेटा हो, बाकी के दो लोगों ने कुछ साथ दिया नहीं दे रहा। हो सकता है कि वो लोग उसके रिश्तेदार हो। अरे मगर हम लोग भी तो सतारा से तत्ताराम के रिश्तेदार बन के आए हैं। अच्छा ये ले पकड़, ज्यादा बात नहीं कर, बस रिवर्स मार के जाओ। विक्रम, मैं एक काम करती हूँ, वहां जाती हूँ और पता लगाती हूँ कि वो लोग कौन है।
मगर ध्यान से होशियारी से बिल्कुल ओके ओके अपना ख्याल रखना ओके प्रमोद जी तुम अंदर जाके सब ठीक ठाक करो तब तक मैं अपना शरबत लेकर आता हूँ थोड़ी होशियारी से अरे फिक्र मत करो अरे रामू कौन है ये लोग अच्छा रिश्तेदार तेरे दो रिश्तेदार दिन में भी आए थे सतारा के रहने वाले तुझे पूछ रहे थे अच्छा बेटा मैं चलता हूँ किस रिश्तेदार की बात कर रहा था ये कुछ गड़बड़ लग रही है अच्छा तुम अंदर जाओ मैं देखता हूँ मोनी जल्दी आओ अरे इंस्पेक्टर रूप आ रही है जल्दी चलो शांत हो जाइए हम लोग पुलिस वाले हैं ये मैं इंस्पेक्टर विक्रम हूँ और ये इंस्पेक्टर रूपाई ये देखिए मेरा आईडी कार्ड अगर आप इंस्पेक्टर हैं वो लोग कौन थे वो लोग वो रामू था और उसके साथ तिवारी और प्रमोद नहीं थे क्या इंस्पेक्टर साहब ये माजरा क्या कुछ हमें भी तो बताइए ना वो दोनों इश्तेहारी मुजरिम पुलिस को उन लोगों की तलाश और उन लोगों को जो भी पकड़वाएगा उसे सरकार की तरफ से 1,00,000 रुपए इनाम मिलेगा मगर रामू तो कह रहा था कि वो लोग उसके रिश्तेदार हैं। झूठ बहुत है रामू रामू भी उन लोगों के साथ मिला हुआ है और देखिए अगर आप लोगों को रामू की कोई खबर लगे तो प्लीज आप लोग पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे राइट हम जरूर और एक बात और रामू का बाप दत्ताराम ट्रक के एक्सीडेंट में मारा गया और रामू से हमारा पूछताछ करना बहुत जरूरी है अगर आपको कोई भी खबर लगे तो प्लीज हमें इतना दीजिए जरूर जरूर हम सब लोग आपको बताएंगे धन्यवाद आप पूछा विक्रम मुझे अफसोस इस बात का हो रहा है कि वो लोग अपने हाथ से निकल गए और हम लोग यहाँ सिर्फ रामू की तलाश में आए थे और प्रमोद और तिवारी भी यहाँ थे रूपा एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई है प्रमोदी और तिवारी ये दोनों भी जगताप से मिले हुए हैं और ये दिनों अब यहाँ से सीधा जगताप की तरफ ही गए हैं काश हमारे पास गाड़ी होती तो हम लोग इन दिनों का पीछा करके जगताप तक पहुँच जाते हैं खैर चलो घर के अंदर देखते हैं शायद कोई काम की चीज़ मिल जाए ओके और रूपा रूपा जरा
में सिर्फ कपड़े ही हैं, कुछ नहीं यहाँ पर। एक काम करो, तुम वहां देखो, मैं यहां देखता हूं, ओके? रूपा सर, यहां पर लाइट मारना। मगर इसे खोलना पड़ेगा। ये भी लॉक है। जरा अपना हेयर पिन दो। सारे रुपए, अब ये सारा खेल समझ में आ रहा है। चलो रुपा, तू सिर्फ मुका नहीं, गधा है गधा। जब वो प्रगति को देखने के लिए तो हॉस्पिटल गया, तो कम से कम तुझे ये तो देखना चाहिए था कि तुझे कोई देख रहा है कि नहीं। जरूर तुझे वहां किसी ने देखा होगा, वरना पुलिस वालों को तेरे खोली पे जाने की जरूरत क्या थी। मुझे एक बात बता दे, तूने और कोई गड़बड़ की है क्या, कोई लफड़ा किया है क्या? अगर किया है तो बोल, अभी इसी वक्त बोल, कुछ किया है तूने? वो बैग तुझे अपने खोली पे रखने की जरूरत क्या थी? मेरे पास दे सकता था तू। अरे भाऊ छोड़ो यार, इस बेचारे को ये सब दाव पेच कहां मालूम है? ना तो ये सुन सकता है, ना बोल सकता है, और ना ही इसमें इतनी चालाकी है कि ये सब बातें सोचे। मैं मानता हूं मेरे उससे गलती हुई है, बेजा रहने के लिए, लेकिन छोड़ो भाऊ, ये सब छोटी छोटी गलतियां तो होती ही रहती हैं, और इन सब छोटी छोटी गलतियों से निपटना आता है हमें, लेकिन हम भी तो पुलिस वाले हैं। छोड़ो सब, तो ये सोचो कि आगे क्या करना है। आप लोग एक काम करो, कुछ देर के लिए यहीं पे कहीं जाके आराम करो। अबे ओ गधे, अबे एक और मेहरबानी कर मुझ पे, गलती से भी उस खोली की तरफ मत जा, पुलिस पकड़ लेगी तुझे, समझा क्या? सर ये देखिए, इंस्पेक्टर विक्रम
जाल तो तुम लोगों ने बहुत अच्छा बिछाया था उस गूंगे के लिए, और उस जाल में उस गूंगे के साथ साथ तिवारी और परमोदनी भी फंसने वाले थे, लेकिन बहुत ही चालाकी से वो लोग निकल गए। क्या तुम्हें यकीन है कि वो गूंगा उस खोले में वापस फिर आएगा? सर मुझे पूरा यकीन है। सर हमारे सामने जितना रुपया पड़ा हुआ है, इतने रुपए को देखकर कोई भी आदमी लालच में पागल हो सकता है। सर वो गूंगा अपनी खोली में जरूर वापस आएगा। और सर अब ये केस मेरे सामने बिल्कुल साफ हो चुका है। वो किस तरह? सर मैंने ठीक एक ऐसा ही दूसरा ब्रीफकेस बनवा लिया है, और अगर आप कहें तो मैं उसमें रुपए भरवा कर उस खोली में रखवा देता हूं, और उसकी निगरानी के लिए सादी वर्दी में पुलिस को वहां पर तैनात करवा देता हूं। मगर इस ब्रीफकेस का क्या होगा? सर ये ब्रीफकेस मुझे उस आदमी तक पहुंचाएगा जिसने ये रुपया जगताप को दिया है। ठीक है, तो मिस रूपा अब इस रुपए की निगरानी आप करेंगी। यस सर। और उस गूंगे को गिरफ्तार करने की जिम्मेदारी भी आपकी है। यस सर। और इंस्पेक्टर विक्रम, सर मैं तुम्हें पूरी आजादी देता हूं कि अब जैसे भी चाहो तुम इस केस को हैंडल कर सकते हो। थैंक यू सर, बेस्ट ऑफ लक। चलो प्रगति, तुम्हारे सूप पीने का टाइम हो गया, मैं जरा इसे ठंडा कर देता हूँ। क्या हुआ प्रगति, सूप अच्छा नहीं है क्या? मैं देखता हूँ। एकदम गर्म पानी की तरह, बिल्कुल टेस्टलेस है। ये अस्पताल वाले मरीजों के लिए सूप बनाते हैं क्या दवा? प्रगति मैं इस अस्पताल में आग लगा दूंगा। नहीं लगाऊं? चलो नहीं लगाता, लेकिन हाँ एक बात तय है, कल से मैं खुद अपने हाथों से तुम्हारे लिए सूप बना कर लाऊंगा। ओके। अरे ठकुराइन नमस्ते। नमस्ते। अंदर आइए। बाय। प्रगति कैसी हो? वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, मेरी बीवी अब बात कर सकती है कोड वर्ड में, यानी कि आपके किसी भी सवाल का जवाब अगर हाँ में होगा तो प्रगति एक बार पढ़ के चेक पाएगी, और अगर ना में होगा तो दो बार। अब बात नहीं, वैसे मैं तुम्हें ज्यादा बात करके परेशान नहीं करूंगी। तुम्हें देखा नहीं था तो मन में बहुत अजीब अजीब से विचार आ रहे थे, अब तुम्हें देख लिया मन को तसल्ली हो गई। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। हेलो विक्रम, आओ आओ अंदर। नमस्ते भाई, कैसे प्रगति? दरअसल मैं अपने आप को रोक नहीं पाया इसलिए यहां चला आया। प्रगति हमने रेत के ढेर में से सुई को ढूंढ निकाला है, और ये ब्रीफकेस वही सुई है। अब सिर्फ इस बात का पता चल गया है कि इसका मालिक। ये ब्रीफकेस मुझे कहां से मिला? एक मिनट रुक जाइए, इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि क्या आप जानती हैं इस ब्रीफकेस का मालिक कौन है? हाँ हाँ अच्छी तरह जानती हूँ, ये विनोद का ब्रीफकेस है। विनोद का? अब तो तुम्हें मेरे सवाल का जवाब मिल गया ना, अब मुझे बताओ ये ब्रीफकेस तुम्हें कहाँ से मिला? मैं आपको आपके सवाल का जवाब दूंगा, मगर आपको जवाब सुनकर बहुत तकलीफ होगी। क्यों, ऐसी क्या बात है? ठकुराइन जी बात ही कुछ ऐसी है, मैं आपको जानता हूं इसलिए इस बात का जवाब दे रहा हूं। ये वही ब्रीफकेस है जिसमें 10 लाख रुपए रखकर जगताप नाम के मुजरिम को दिए गए थे। क्या?
और क्या आप ये जानती हैं क्यों? क्यों? प्रगति को जान से मार डालने के लिए। तू जल्दी से ठीक हो जा। हो सकता है तेरी और मेरी ये आखिरी मुलाकात हो। मगर मेरा आशीर्वाद सदा तेरे साथ है। मैं भी चलता हूँ, क्योंकि अब मुझे इस केस की अधूरी कड़ियों को जोड़ना है। वैसे मैं ये खुशखबरी यहां देने आया था, मगर मेरा यहां पर आना फायदेमंद साबित हुआ। ओके प्रगति, गेट वेल सून, बाय राजेश। देखा प्रगति, किस तरह चल रही है ये जंग, और तुम देख लेना इस जंग में जीत तुम्हारी होगी, सिर्फ तुम्हारी। है दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।